भारतीय टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन अंगूठे की चोट की वजह से आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गए। धवन को शुरुआत में पहले 10 दिनों के लिए आराम दिया गया था, लेकिन उनके समय पर इस चोट से न उबर पाने के बाद अब उन्हें स्वदेश लौटना होगा। INS ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिखर धवन को इस चोट से उबरने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने कहा, धवन बाहर हो गए, वह वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं है। शिखर धवन को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 117 गेंदों की 109 रन की तूफानी पारी के दौरान पैट कमिंग्स की एक उड़ती हुई गेंद अंगूठे पर लगने से लगी थी। बाद में हुए स्कैन में धवन के अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर की पुष्टि हुई थी। इस चोट की वजह से धवन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। शिखर धवन के कवर के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में शिखर धवन की गैर मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ा संकट हो सकती है। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।